हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बेरूत धमाका 2020 के बारे में देखेंगे। बेरूत धमाका 2020, पूर्वी यूरोपीय समय के अनुसार 4 अगस्त 2020 की शाम 6:06 पर लेबनान की राजधानी बेरूत शहर में कई विस्फोट हुए। धमाके बेरूत के बंदरगाह पर हुए और काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए और काफ़ी ज़्यादा लापता भी हुए और घायल भी हुए लोग। बेरूत के गवर्नर मरवान अबाउद ने अनुमान लगाया कि विस्फोटक से अधिक लोग बेघर हो गए थे। 4 अगस्त 2020 की बात करें तो समय 18:08 18 सेकेंड, और दूसरा धमाका होता है 15:08 18 सेकेंड पे। स्थान बेरूत जो लेबनान में है। मृत्यु 207 से अधिक, घायल 65, 100 से अधिक लापता, 9 से अधिक और संपत्ति हानि $15+ अरब। मुख्य विस्फोट लगभग अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ा था, जिसमें लेबनान सरकार द्वारा एक मालवाहक जहाज से जब्त किया गया था और पिछले 6 वर्षों से सुरक्षा उपायों के दिन बिना बंदरगाह में संग्रहित किया गया था। विस्फोटक की शक्ति काफ़ी ज़्यादा थी और TNT के बराबर अनुमानित है। लेबनान की अर्थव्यवस्था विस्फोटकों से पहले संकट की स्थिति में थी। सरकार कर्ज में डूब हुई थी, लेबनानी पाउंड डूब रही थी और गरीबी दर जो था 50% से अधिक हो गई थी। बेरूत का बंदरगाह लेबनान में मुख्य समुद्री प्रवेश बिंदु और दुर्लभ वस्तुओं को आयात करने के लिए बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा प्रदान करता है। लेबनानी सरकार के स्वामित्व में बंदरगाह के 4 बेसिन और गोदाम शामिल है। इसने एक अनाज साइलो में समायोजित किया जो देश के लिए गेहूं के रणनीतिक रिजर्व के रूप में कार्य करता था। बेरूत नौसेना बेस बंदरगाह का एक हिस्सा है। स्थानीय समय के अनुसार 6 बजे बेरूत बंदरगाह पर गोदाम आग बुझाने के लिए अग्निशामन भेजे गए थे। एक पहला छोटा विस्फोट आग के ऊपर धुएं के बादल का निर्माण कर गई और आतिशबाजी समय प्रकाश की चमक बना गई। दूसरा विस्फोट समय लगभग 6:06 पर स्थानीय समय पर हुआ, जो अधिक शक्तिशाली था। इसने केंद्रीय बेरूत को हिलाकर रख दिया और हवा में लाल नारंगी बादल बन गए। दूर उत्तरी इजराइल में साइप्रस में भी महसूस किया गया और संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण ने 3.3 स्थानीय परिमाण भूकंप को महसूस किया, जबकि जॉर्डन भूकंपीय वेधशाला ने बताया कि 4.5 स्थानीय परिमाण भूकंप के बराबर था। कारण की बात करें तो विस्फोटकों का कारण तुरंत निर्धारित नहीं हो सका था। हालांकि राज्य मीडिया ने शुरू में उन्हें एक आतिशबाजी के गोदाम में आग से होने की सूचना दी थी, जबकि अन्य ने उन्हें एक तेल भंडारण या रासायनिक भंडारण दुर्घटना माना। बंदरगाह में विभिन्न गोदाम थे, जिनमें से कम एक में नाइट्रेट और उर्वरकों सहित विस्फोटक को संग्रहित किया गया था। सार्वजनिक सुरक्षा महानिदेशक ने कहा कि विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था, जो MV रोसस नामक जहाज से जब्त किया गया था। एक सुरक्षा सूत्र ने कहा कि प्रारंभिक आग एक गोदाम के छेद पर वेल्डिंग कार्य के दौरान लगी। लेबनान के अधिकारियों ने बेरूत बंदरगाह के अधिकारियों को गिरी की गिरफ्तारी, सेना द्वारा देखरेख, विस्फोटकों की जांच लंबित रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया। विस्फोटों के बाद कम से कम बहुत सारे लोग मारे गए और घायल भी हुए। विस्फोटक के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने के बाद कटे पार्टी के महासचिव नजरियन की मृत्यु हो गई और सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी का अध्यक्ष कमल हायक की हालत गंभीर थी। कजाकिस्तान काउंसिल के लिए कार्यालय घायल हो गया था। इसके साथ ही विस्फोटक ने कारों को उल्टा कर दिया और बंदरगाह क्षेत्र के भीतर विस्फोटक ने तट रेखा के एक वर्ग को नष्ट कर दिया। गवाहों ने कहा कि विस्फोटक द्वारा 10 किलोमीटर दूर तक के घरों क्षतिग्रस्त हुए और लगभग 3 लाख लोग विस्फोटों से बेघर हो गए। लेबनान सरकार के अनुसार शहर का दूसरा सबसे बड़ा अनाज भंडार नष्ट हो गया। ऐसे में कोरोना वायरस महामारी और गंभीर वित्तीय संकट खाद्य कमी से अधिक बढ़ावा है। अरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और शहर में होटल भी क्षतिग्रस्त हो गए। 3 अस्पताल पूरी तरह से नष्ट हो गए। विस्फोटक किलोमीटर में थी और कम दूरी पर स्थित सेंट जॉर्ज अस्पताल चिकित्सा सुविधा को गंभीर नुकसान के कारण सड़क पर रोगियों के इलाज के लिए मजबूर होना पड़ा। विस्फोटकों के बाद मेडिक सक्रिय किए गए लेबनान राष्ट्रपति मिशेल आउ ने कहा कि सरकार पीड़ितों के समर्थन के लिए सहायता में 100 अरब लीरा यानी कि 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करेगी।
घटना के बाद लोगों ने क्रोधित होने से लबनान की सरकार को पद छोड़ना पड़ा और सिर्फ बचाव के राहत कार्य में जुटे हैं। पूरे 1970 तक भी पूरे मिडिल ईस्ट में लेबनान अकेला देश था जो नॉन मुस्लिम था, और वहीं इजराइल यहूदी बहुल था। इसकी राजधानी बेरूत को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। बेरूत लेबनान की सरकार की सीट है और लेबनान की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाता है। शहर में कई बैंक और निगम स्थित है। बेरूत देश और क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और वैश्वीकरण और विश्व शहरों का अनुसंधान नेटवर्क द्वारा इसे वीटा प्लस वर्ल्ड सिटी का दर्जा दिया गया है। बेरूत लेबनान सप्ताह की छवि अर्थ वाचिंग। बेरूत लेबनान का राजधानी शहर है और भूमध्य सागरीय तट के मध्य बिंदु पर एक प्रायद्वीपीय पर स्थित है। बेरूत देश का सबसे बड़ा और मुख्य बंदरगाह और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है जो 5000 साल से भी पहले बसा है। शहर का कई पुनर्निर्माण किया गया है जिसमें आधुनिक वास्तुकला ओटोमन और अपने औपनिवेशिक फ्रांसीसी इमारतों के साथ जगह सजा करती है। हमरा और अशरीफ जैसी व्यस्त सड़कें रात भर चहल पहल से भरी रहती है, जबकि राष्ट्रीय संग्रहालय और जिब्रान संग्रहालय आगंतुकों को शहर के इतिहास का स्वाद दिखाते हैं। विशेष रिपोर्ट बेरूत पुरातत्व पत्रिका संग्रह 5000 साल पुराने शहर के भविष्य को लेकर डेवलपर्स पुरातत्वविदों से होड़ कर रहे हैं। लेबनानी लोक कथाओं के अनुसार बेरूत को लगभग 5000 साल के इतिहास में 7 बार नष्ट किया गया और फिर से इसे बनाया भी गया। समृद्ध इतिहास संस्कृति। बेरूत में समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है जिसमें रोमन स्नानघर, प्राचीन शहर बायबुलस जैसे पुरातात्विक स्थल शामिल है जो सबसे पुराने फोनोसियन शहरों में से एक है और एक विश्व धरोहर स्थल है। यह ऐतिहासिक गहराई का अनूठा सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करती है। बेरूत भूमध्य सागरीय के पूर्वी बेसिन में लेबनान से होकर गुजरने वाली पर्वतीय श्रृंखला के तल पर स्थित एक तटीय शहर है। बेरूत लेबनान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। 2014 तक ग्रेटर बेरूत की आबादी 2.2 बिलियन है जो इसे लेवेंट क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर बनाती है। लेबनान रोमनकृत स्थानीय उच्चारण है। आधिकारिक तौर पर लेबनान गणराज्य पश्चिम एशिया के लेवेंट क्षेत्र में एक देश है जो उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इजराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर से घिरा। साइप्रस दक्षिण पूर्व में सीरिया से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बेरूत में 3 दिन बिताने से आप शहर के खास नज़ारे देख सकते हैं और लेबनानी खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। बायबुलस के तटीय आकर्षण और खूबसूरत जेता ग्रोटा के अलावा आप घाटिया में जा सकते हैं और लेबनान के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से आप सूची को जोड़ सकते हैं। लेबनान के लगभग 95% लोग अरब और 4% अर्मेनियाई। लेबनान संस्कृति में पारिवारिक संबंधों और व्यक्तिगत संबंधों में बहुत महत्व दिया। लेबनानी लोग अपनी संस्कृति, विरासत और देश पर गर्व करते हैं। बेरूत की प्राचीनता इसके नाम से ही पता चलती है जो कनानी के भाषा के नाम पे बेरूत कुएं से लिया गया जिसका तात्पर्य भूमिगत जलस्तर से, जिसका उपयोग स्थानीय निवासी अभी भी समान उपयोग के लिए करते हैं। 9 जुलाई 551 ईस्वी को आए एक बड़े भूकंप में उसके बाद आई सुनामी ने फोनेसिया आधुनिक लेबनान के अधिकांश तटीय शहरों को नष्ट कर दिया। बताया जाता है कि त्रिपोली डूब गया और वेरिटेट्स बेरूत लगभग 1300 साल तक ठीक नहीं हो पाया। लेबनान एक ऐसी भूमि है जहां विरोधाभास एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली टेपेस्ट्री बनाता। वास्तव में दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो पैदा हुआ सुबह पहाड़ों की प्राचीन ढलानों पर स्काइकिंग करने लगते हैं और दोपहर में एक खूबसूरत भूमध्य सागर में डुबकी लगाने की भी कल्पना करते हैं। तो ये थी बेरूत ब्लास्ट से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लिए कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।